नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, जैसे कि किसानों के खाते पे जो पहली किस्त है 2,000 रुपये आ चुकी है या आ रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपना नाम देखे कहाँ। तो इसी विषय पे चलिए हम आपको टोटल जानकारी देते हैं कि आप अपना नाम जाकर कहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं है, या जुड़वाएं तो कैसे जुड़वाएं, या नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये आप चेक कहाँ पर करें। इसी विषय पर हम आपको टोटल जानकारी आपके सामने खोलकर रख देते हैं। इस विषय पर तमाम बातें करेंगे कि आप जाकर अपना नाम कहां पर चेक करें। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पर देखिए लाल रंग पे सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दें। बाजू पर बेल आइकन है तो वहां उंगली रख दें। इससे होगा ये, आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगी तो आपको जानकारी मिल सकेगी, नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और अधिक जानना है तो आई बटन पर क्लिक करें। ऊपर पे आई बटन है, वहां क्लिक कर दें। इस विषय पर और भी वीडियो मैंने पहले बना के रखा हुआ है। तो चलिए, आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं इस विषय पर मैं जानकारी आपको देता हूं क्रम से। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। इसके लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, आप गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए pmkisan.nic.in और उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर दीजिए, मतलब इंटर दबा दीजिए। इंटर दबाने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी और इस तरीके से खुलेगी, यूअर कनेक्शन इस प्राइवेट। तो आप जाकर एडवांस पर क्लिक कीजिए। एडवांस पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसेस टू pm.nic.in पर क्लिक कर दीजिए। अब ये वेबसाइट खुल जाएगी। असल पे ये वेबसाइट इरर है करके आप यहीं से छोड़ देते हैं इसको। इसके बाद आप जाकर यहाँ पर LG डायरेक्टरी पर क्लिक करें। LG डायरेक्टरी पर क्लिक करने के बाद ये खुलने लगेगी, इसी तरीके से खुलने लगेगी जिस तरीके से खुल रही है। ये खुलने के बाद आप जाकर रूलर पर क्लिक करें। रूलर पर जब क्लिक हो जाएगा तो रूलर पर क्लिक, अगर रूलर पे है तो रूलर पे, अर्बन है तो अर्बन, गेट डाटा पर क्लिक करें। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से सारे प्रदेश के नाम खुल जाएंगे। चलिए मैं छत्तीसगढ़ खोल के आपको दिखाता हूँ। छत्तीसगढ़ पर जाकर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये छत्तीसगढ़ खुलने लगेगा। छत्तीसगढ़ के तमाम जो लिस्ट हैं आपके सामने खुलकर रह जाएंगे। इसमें देखिए, अब मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च करता हूँ। तो चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अपना डिस्ट्रिक्ट खुलेगा। तो मैं सर्च कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एक। इसके बाद आप नीचे चले जाइए, आपका जो ब्लॉक है, तहसील है, वहाँ पे सर्च कर दीजिए तो वो खुलने लगेंगे। आपके ब्लॉक और तहसील खुलने लगेंगे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, तो चलिए देखिए आपके सामने ये खुलने लगेगा। ये जो इसमें तमाम गांव के जो लिस्ट हैं वो आपके सामने खुल कर आ जाएंगे। ये जो तमाम गांव हैं उस ब्लॉक के, इस पे रजिस्टर्ड हैं और अलग अलग करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके ये पेज सब सेलेक्टेड है। तो आपका नाम अगर फर्स्ट पेज पे नहीं है आपके गांव का नाम, तो आप दूसरा पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पे नहीं है तो तीसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने, चलिए अभी पहले पेज पे मेरे गाँव का नाम नहीं है तो मैंने दूसरा क्लिक किया, तो दूसरे पे वो गाँव का नाम आएगा। दूसरे पे ये गाँव का नाम आ गया, अब वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक बात आपको देखने पे आएगा कि अभी जो है गांव पे व्यक्तियों के जो नाम हैं वो अपलोड हुए नहीं हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि नाम अपलोड हो गया है, कहीं कहीं आप जब खोलेंगे तो नाम आपको अपलोड मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ये अपलोड नहीं मिलेगा। तो जो अपलोड नहीं हुआ है वहाँ नहीं खुलेगा, जहाँ अपलोड है वहाँ खुलेगा। इस विषय पर ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। आज आगे जो अपडेट आएगी, जब नाम खुलने लगेगा, तब मैं एक वीडियो बनाकर आपको और दे दूंगा। इस वेबसाइट पर काम जो है प्रोसेस पे जारी है, इसीलिए कई जगह पे ऐसे देखने को मिल रहा है कि नाम नहीं खुल रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश आसार।